हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वेज कीमा की रेसिपी। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। बिल्कुल इसका टेस्ट बिल्कुल नॉन वेज जैसा लगता है। कोई नहीं कहेगा कि आपने इसे वेज बनाया है। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बन के तैयार होता है। झटपट बन के तैयार होगा, बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट होता है। आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार ये बन के तैयार हुआ है। तो देर किस बात की, चलिए बनाना शुरू करें। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है सोया चंक्स, इसे लोग सोयाबीन भी कहते हैं। ग्राम में ये 150 ग्राम है। डालेंगे इसमें पानी, रख दिया मैंने इसे गैस पर। इसमें एक उबाल आ जाने पर हम इसे बंद कर देंगे और सोयाबीन को छान के निकाल लेंगे, तो इसमें उबाल आने देते हैं। इसमें उबाल आ गया है, गैस की फ्लेम को बंद करते हैं और इसे छान के ठंडे पानी से धो लेंगे। इसके अलावा मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज, लहसुन, अदरक। प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, लहसुन और अदरक को कूट लेंगे, चाहे तो पीस भी सकते हैं। चलिए पहले कर लेते। प्याज को मैंने छील के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसके अलावा अदरक और लहसुन को कूट के इसका पेस्ट बना लिया है। अदरक कूटे हुए लहसुन अदरक का पेस्ट कीमे में बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, तो आप कोशिश करें कि इसे कूट के ही डालें। सोयाबीन को मैंने पानी से निकाल लिया है, इसको धो लिया है। इसे हम इस तरीके से सारा पानी हमें इसका निचोड़ लेना है। निचोड़ के हम इसे ग्राइंडर में डालते हैं। इसी तरीके सारे को निचोड़ कर हम इसका एक इसे पीस लेंगे। सारे सोयाबीन को निचोड़ कर मैंने रख लिया है। अगर सोयाबीन बहुत ज़्यादा नहीं निचोड़ पा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें इसे ग्राइंड ही करना है। तो चलिए इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। ये ज़्यादा हो गए हैं तो एक बार में इसे ग्राइंड नहीं करेंगे, आधा आधा करके मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। सोया चंक को हमने ग्राइंड कर लिया है। बहुत ज़्यादा महीन हमें नहीं पीसना है, हल्का हमें इसे को दरदरा ही रखना है। इस तरीके से मैंने इसे पीस के तैयार कर लिया है। एक पहली बार मैंने इसे पीसा, मैंने इसे पीस के तैयार कर लिया है। चलिए अब गैस को ऑन करते हैं। गैस हमने ऑन कर लिया है, कढ़ाई चढ़ा ली है। डालेंगे इसमें सरसों का तेल। सरसों के तेल में इसे बनाए, इससे इसका टेस्ट बढ़िया आता है। तेल को हल्का गर्म होने देते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, डालेंगे इसमें कुछ खड़े मसाले जो भी आपके पास अवेलेबल हो। खड़े मसाले इसमें जीरा, इलायची, तेजपत्ता, दालचीनी वगैरह इसमें हम डाल देते हैं। इसको चटकने देते हैं। इसके साथ ही हम डाल देंगे हरी मिर्च, इसको मैंने कट कर लिया है। आप चाहें तो लाल भी डाल सकते हैं। गरम मसाले हमारे अच्छी तरीके से चटक चुके हैं, अच्छी से खुशबू आने लगी है। डाल देते हैं इसमें अपने कटे हुए प्याज। प्याज को हमें सौते करना है। प्याज के साथ ही हम इसमें डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, इससे प्याज हमारा जल्दी सौते होगा। दोस्तों, वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज मैं आपके साथ और भी शेयर कर सकूं। थोड़ी देर प्याज को सौते होने देते हैं। प्याज हमारे हल्के ब्राउन होने स्टार्ट हो गए हैं। डाल देते हैं इसमें अपना कुटा हुआ अदरक और लहसुन का पेस्ट। बहुत ही टेस्टी ये कीमा बनकर तैयार होता है। लगेगा ही नहीं कि आप ये वेज कीमा आपने बनाया है, बिल्कुल नॉन वेज का ये टेस्ट देता है। आप बना के जरूर ट्राई करें, कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएं। थोड़ी देर से भी भूनते हैं। बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब इसका स्वाद लगता है। प्याज हमारा सॉटी होने लगा है, अदरक और लहसुन भी अच्छी तरीके से भून गया है। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगी है।
अब डाल देते हैं इसमें टमाटर, दो छोटे साइज के देसी टमाटर मैंने काट के तैयार किए हैं, इसे मैं डाल देती हूँ। टमाटर भी हमारे भुनने लगे हैं, अब डालेंगे हम इसमें थोड़े से मसाले, काली मिर्च का पाउडर। अभी मसाले थोड़े थोड़े हम डाले, आधे चम्मच, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें मीट का मसाला, ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास मीट का मसाला नहीं हो तो आप चिकन मसाला, इस तरीके के मसाले मार्केट में पाउच में भी अवेलेबल है, ये इसमें ज़रूर डालें, तो ये कीमे का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, बिल्कुल ये आपको मटन का टेस्ट देगा। इस तरीके कुछ स्पेशल मसाले डालने से आपकी कोई भी सब्जी आप बना रहे उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो एक छोटे चम्मच मैंने डाल दिया मीट का मसाला, जिसे बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाएगा। मसाले मैंने सूखे डाले हैं, तो डाल देती हूँ हल्का सा पानी, ताकि अच्छी तरीके से मसाले हमारे भुन जाए। दोस्तों, आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना, उसे अच्छी तरीके से भूनते हैं। मसाले हमारे थोड़े भुन गए हैं, फाइनली डाल देते हैं इसमें अपने सोयाबीन जो मैंने पीस के तैयार किया हुआ है, करेंगे इसे अच्छी तरीके से मिक्स। बहुत ही टेस्टी ये कीमा बनकर तैयार होता है, कोई नहीं कहेगा आपने इसे सोयाबीन से बनाया है, बिल्कुल ये आपको मटन चिकन का टेस्ट देगा। अच्छी तरीके से हम इसे थोड़ा भुनना होगा, दो तीन मिनट तक हम इसे अच्छी तरीके से पहले भूनते हैं, तभी इसका टेस्ट बढ़िया आएगा। इसे भूनते हुए दो तीन मिनट हो गए हैं, डाल देते हैं इसमें हल्का पानी। बहुत ज्यादा पानी हमें नहीं डालना है, इसके अलावा डाल देते हैं हम इसमें थोड़ी सी हरी फ्रेश धनिया के पत्ते। मिक्स करते हैं, दो तीन मिनट तक हम इसे ढक के पकाते हैं। गैस की फ्लेम को मैंने मिडिल पर कर दिया, दो मिनट तक हम इसे पका लेते हैं। पकते हैं, दो तीन मिनट हो गए हैं, खोल के देखते हैं। वाह सुपर, देख कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ है। गैस की फ्लेम को मैंने हाई पर कर लिया, थोड़ी देर हम इसे खोल के सुखा लेंगे। सोयाबीन ऑलरेडी हमारी पकी हुई है, मसाले भी भुने हुए हैं, क्योंकि कीमा हमें थोड़ी ड्राई चाहिए, इसीलिए थोड़ा देर हम इसे खुले ही पका लेते हैं, इस तरीके से चला के, ताकि नीचे ना लगे। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बन के ये तैयार होती है। कीमा बन के हमारा बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया और मज़ेदार ये देखने में ही लग रहा है, खाने में ही इससे भी ज़्यादा टेस्टी है। तो गैस की फ्लेम को ऑफ करते हैं, बन के हमारा बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ है, बहुत ही टेस्टी है लगता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं आपके साथ और भी शेयर कर सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।